मैनेजर साहब कहाँ हैं? इधर से जाओ। क्या हुआ? हाँ, मैनेजर कहता है तुम्हें गाना नहीं आता। उनकी बिटिया रानी कहते हैं मुद्दत तक आएगा भी नहीं। भला मैनेजर की लड़की को इन बातों से क्या वास्ता? क्यों नहीं, थिएटर की बड़ी अदाकार है, जो वो कहेंगी सो होगा। चुड़ैल कहे की। ए, क्या करती हो? मैंने कहा ना, तुम स्टेज पर काम करने के काबिल नहीं हो, बहुत छोटे हो। इसके अलावा हमें औरतों की जरूरत है। चलो जी, मिस कांता को भेजो। मीना देवी जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। एक बार आप मेरा गाना सुन लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आने से क्या होगा, हम तुम्हें कोई काम नहीं दे सकते। मीना देवी जी, देखो जी, ये नौकरी का खप छोड़ो और घर जाकर अपने माँ बाप से कहो कि स्कूल में दाखिल करा दे। साहब, माँ बाप होते तो आपके पास क्यों आता? तो मैं क्या करूँ, यहाँ कोई धर्म खाता खुला हुआ है। लेकिन मैं भीख मांगने तो नहीं आया, मैं तो काम चाहता हूँ। यहाँ पर इतने आदमी हैं, एक मैं भी सही। हाँ हाँ, सब यही कहते हैं। चल भागो, जाओ। जी देखिए, मेरा नहीं तो मेरी बहन का गाना सुनेंगे? बहन? जी हाँ, कहीं तो ले आऊं, वो एक जगह नौकरानी का काम करती है। वो वही ठीक है। आजी, मिस कांता को भेजो। साहब, मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है, मुझसे भी अच्छा। जाता है? नहीं जाता हूँ। ठहर, ले कुछ खा पी लेना। जी, मैं यहाँ काम के लिए आया था, भीख मांगने नहीं। शुक्रिया। आप ही कांता देवी हैं? जी हाँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सुनो, देखो जो तुम पर गुजरी है मैं भी भुगत चुका हूँ। तुम किसी तरह मालिक को गाना सुनाया हो जाके। मालिक? हाँ, उनका नाम है बाबू जानकी प्रसाद, मुझे भी उन्होंने रखा था। तो आप यही काम करते हैं? हाँ, आजकल उनकी तबीयत खराब है, सो ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये लो उनका पता, और देखो जरा संभल कर बात करना, बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है उन्हें, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। अच्छा जाओ। शुक्रिया। और सुनो, अगर
अगर हो सके तुम अपनी बहन को भी लेते जाना। अगर मालिक को गाना पसंद आ गया तो समझो कि दिन फिर गए। जी बहुत अच्छा, नमस्ते। अरे अरे दीदी, बड़ी जबरदस्त खबर लाया हूँ। वाह, ये कैसा शोर हुआ? जी कुछ नहीं, एक कुत्ता आया था। हैं? चुप, निकल निकल। देखना कितनी बार कह चुकी हूँ ना आया कर यहाँ। जा बाबूजी आ गए तो। आने दे, मैं तुझे यहाँ से ले जाने को आया हूँ। ले जाने को? हाँ हाँ, रूम में थिएटर के मालिक से मिलते हैं चल के। अगर उसे पसंद आ गए तो फौरन थिएटर में नौकरी दे देगा। फिर तो बस दीदी, आहा क्या बक रहा है। थिएटर में नौकरी? पागल तो नहीं हो गया? जा यहाँ से। मामा, ये किससे बात कर रही है तू? जी किसी से नहीं, जा जल्दी से। मामा, मैंने यहाँ किसी की आवाज सुनी है, जरूर कोई आया था। जी नहीं तो। नहीं कैसे, झूठ बोलती है? कौन था बोल? कहा तो कोई नहीं। झूठी तमाम जमाने की, जरूर कोई तेरा। देखो जी, अगर और कुछ काम मेरी बहन के लिए तो बस, समझे? ओ, आप हैं बर्फ के कुत्ते, निकल मेरे घर से। गाली मत बको, मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाने को आया हूँ। अरे पागल हो गया है बाबुल, नहीं जाती मैं कहीं। बाबूजी माफ कीजिए, छोटा है। बस जी, हो चुका। तेरे बाप के मरने के बाद 2 साल से तुझे पाल पोस रहा हूँ और तेरा भाई आकर मुझ पर हाथ उठाता है। अरे जानवर भी किए का एहसान मानते हैं और तुम लोग? क्या किया है तुमने? दिन भर मेरी बहन तेली के बैल की तरह पिलती है, तब कहीं जाके मैंने की 4 रुपट्टी देते हो और कहते हो बाबुल चुप भी होगा के? बाबूजी आप इसकी बातों पर न जाइए, नादान है, जो मुंह में आता है बक देता है। तो बके अपने घर जाके, चलेगा तू और तू भी। बाबूजी नहीं नहीं, मेरे घर में कोई काम नहीं तुम्हारा, भागो यहां से। ये क्या कर डाला तूने बाबुल, अब कहां जाएंगे हम? घबराते क्यों हो दीदी, थिएटर के मालिक से मिलते ही नौकरी मिल जाएगी, देख लेना। हाँ जी, नौकरियाँ पेड़ों पर उगती है ना, हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया। अरे भूखो मरोगे भूखो। पर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तनख्वाह दो बहन की। कैसी तनख्वाह, एक पाई नहीं मिलने की। ये बात है, एक पाई नहीं मिलने की। निकाल पाए हाथ से, निकाल। पुलिस 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 के बच्चे, निकाल जल्दी जल्दी कर। एक और ये। नमस्ते। है बदमाश कहा जाता है। अरे रामा रखू रट्टे, अरे दौड़ो कमबख्तो। यही मकान है, ठहरो पहले मैं जाता हूँ। दीदी कुछ डर सा मालूम हो रहा है। अब डरने से क्या फायदा, कुछ तो करना ही होगा। हाँ दीदी। नहीं नहीं, मैं तुझसे 100 बार कह चुका हूँ, पैसे चाहिए तो कमा जाके, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन भैया। चल निकल यहाँ से। देखो जो एक दफा चला गया तो फिर लौट के ना आऊंगा, ये जान रखना। बड़ी खुशी की बात है, पीन तो छूटेगा। लेकिन भैया जरा सोचो तो, अब मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो क्या ये मेरा कसूर है? नहीं मेरा। सुन, या तो कोई नौकरी तलाश कर या मेरे थिएटर का इंतजाम हाथ में ले, नहीं तो मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं, समझे? भैया कितनी बार तो कह चुका हूँ, मैं थिएटर में काम करना पसंद नहीं करता। काम करना पसंद नहीं करता पर थिएटर का पैसा उड़ाना बहुत पसंद करता है। निकम्मा कहीं, दूर हो मेरे सामने से। भैया तुम समझे नहीं मेरा मतलब। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जा यहाँ से। तुम भी भैया रोज जाता है या?
चलो बाबर, यहाँ जाना ठीक नहीं, देखो लीन की हालत। हाँ दीदी। सुनिए तो, माफ कीजिए, आप लोग कौन हैं? हम भाई बहन हैं, थिएटर में नौकरी के लिए बाबू जान के प्रसाद से मिलने आए थे। तो मिलते क्यों नहीं? नहीं नहीं, आपकी तो ये गत हुई, न जाने हमारा क्या हाल हो। क्यों बाबू? हाँ दीदी। सुनिए, आप मेरे साथ आइए, मैं ले चलता हूँ। माफ कीजिए, हम अपनी दुर्गत नहीं कराना चाहते। जी नहीं, औरों के साथ उनका बर्ताव बहुत अच्छा है, नारियल की मिसाल है वो, बाहर से सख्त भीतर से नरम, चल के देख लीजिए ना। माफ कीजिए, चलो ना दीदी, देखिए ना सही। और क्या, इसमें आपका बिगड़ता तो कुछ नहीं, बन जरूर सकता है, और साथ साथ मेरा भी। आपका भी कैसे? बात यह है कि भाई चाहते हैं कि मैं उनके थिएटर में काम करूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तब आप हमें क्यों ले चल रहे हैं? इसलिए कि वो समझेंगे मैंने उनके लिए कुछ किया और मुझसे खुश हो जाएंगे। जी तो ये कहिए कि आपको हमसे ज्यादा अपनी फिक्र है। चलो बाबू। आप गलत समझ रही हैं लक्ष्मी देवी। मेरा नाम लक्ष्मी देवी नहीं है, उमा। उमा देवी, कुछ मेरी मदद कर दीजिए ना, आपका भी फायदा हो जाएगा। क्यों? चलो ना दीदी, देख तो ले एक बार। पर आपके भाई? कहा ना मैंने, बाहर से सख्त भीतर से नरम, बिल्कुल नारियल। चलिए। क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, डरिए मत। लेकिन डर तो आप ही रहे हैं। मैं? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। जरा आप लोग यहीं ठहरिए। भैया। अरे फिर आया तू? चिल्लाओ मत, बाहर ही है। क्या बक रहा है, कौन है बाहर? भैया मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, एक दफा देख लो तब कहना मैं बेकार हूँ या काम का आदमी। अरे तो बताएगा भी, क्या देख लो? चिड़ियों का जोड़ा। चिड़िया? नहीं जाइए मुझे चिड़िया, भैया निकल यहाँ से। अरे देख तो लो, खुद फैसला हो जाएगा। ये लो। ये? हाँ, तुम्हारे थिएटर में काम करना चाहते हैं, उड़े जा रहे थे वो तो मैं पकड़ लाया इन्हें। क्या नाम है तुम्हारा? तुमा। और तुम्हारा? जी बाबुल। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां हमारी गलियां हमारी गलियां, हमको है प्यारी हमारी गलियां। हेलो मीना, तुम्हारे पिता वहां हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हेलो, हाँ हाँ मैं ही हूँ। सुनो, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आए हुए हैं, बहुत अच्छे। तो तुमको पसंद है भैया? मैं ना कहता था, अब तो मुझे यहाँ रहने दोगे? भाग्या से गदा कहीं का है? क्या कहा आपने? अरे अरे तुम नहीं, निर्मल को कहा था। सुनो, तुम और मीना फौरन चले आओ, मैं इनको आज ही स्टेज पर निकालना चाहता हूँ। हाँ आज ही रात को, चले आओ फौरन। आज ही रात को आप स्टेज पर काम करेंगे दोनों? अरे अरे छोड़िए मुझे, देखिए तो है? माफ कीजिए। अच्छा तो आप यहीं ठहरे, मैनेजर और मीना देवी आ रहे हैं, भैया सब ठीक कर देंगे। मैनेजर मीना देवी यहाँ रहे हैं? हाँ हाँ, भैया ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कौन है मीना देवी? भैया के थिएटर की स्टार, यहीं रहती है वो, ऊपर की मंजिल में। अच्छा तो अब मैं चला, थिएटर में मिलूंगा। क्यों आप जा क्यों रहे हैं? आप जानती नहीं, मुझे उनकी सूरत से डर लगता है, वो जहाँ होगी बंदा मील भर होगा वहाँ से। क्यों? ये फिर बताऊंगा। निर्मल बाबू आप यही रहिए, कहीं हमें कोई निकाल ना दे। नहीं नहीं, भैया के रहते ऐसा कोई नहीं कर सकता। अच्छा थिएटर में मिलूंगा। दीदी तुम जरा यहाँ बैठो, मैं अभी आया। नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेली कैसे बैठूंगी, मैं अभी आया एक मिनट में। नहीं तुम यहाँ से मत जाओ। अब क्या बताऊं?
नमस्ते निर्मल बाबू। ओह दलीप, आप भी खूब हैं। या तो कभी थिएटर में पाँव नहीं रखते या आज चोरों की तरह चुपके चुपके चले आ रहे हैं। चिल्लाओ मत, बात क्या है? कुछ नहीं। वो कहाँ है? कौन, मीना देवी? नहीं नहीं, उसे ना मालूम हो जाए कि मैं यहाँ हूँ। कहीं आसपास तो नहीं? घबराओ मत, वो अपने कमरे में है। ठीक, वो नई लड़की कहाँ है? उमा देवी, जिसके साथ उसका एक भाई भी है। हाँ, है ना? हाँ। ओ, ये बात है। क्या? कुछ नहीं, वो उस कमरे में। नमस्ते निर्मल बाबू। नमस्ते। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। खूब, इतनी मुश्किल से मैंने आपको काम दिलवाया और मुझे से आप कहती हैं चले जाइए। गलत ना समझिए निर्मल बाबू, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? बाहर आइए, मैं देखना चाहता हूँ कैसे कपड़े पहने हैं आपने। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्या बताऊँ आपको, आप जाइए। क्या हो गया है आपको? अरे अरे, अंदर ना आइए। माफ चाहिए। माफ कीजिए। हेलो, हो निर्मल। क्या हुआ, भागे क्यों जा रहे हो? नहीं तो, तस्मिया भागा नहीं जा रहा बल्कि भूल से आ गया। खैर, भूल से या इरादे से, तुम आए तो क्यों? हाँ हाँ, मगर मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। आओ बैठो, बातचीत करें। नहीं नहीं मीना, इस वक्त मुझे बहुत काम है। काम है तुम्हें? अच्छा मजाक रहा, चलो बैठो, मैं तुम्हें न जाने दूंगी। तुम समझी नहीं मीना, मुझे वाकई काम है, बहुत जरूरी। जरूरी? हाँ। सब क्या काम है? ओ, उस नई लड़की से? हाँ। इसीलिए आज थिएटर में आना हुआ। निर्मल बाबू गए? ओह, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ ड्रेस करो जल्दी से। बेशरम कहीं की। सभी बहाने ना कोई सोए ना कोई जागे, छोड़ो सभी बहाने। रन अधरिया पांच पहरिया, तुम जानो हम जाने। घूंघट बट खोल बालम तेरे बोल, घूंघट बट खोल कोई देख लेगा।
कहा मिल गए आज तुम्हारे लाला चूनन लाला सारे तनखा मिल गई आज तुम्हारे नाला चूनन नाला सारी लाया हूँ एक चीज निराली क्या दो टिकटे नवाने वाली क्या दो टिकटे नवाने वाली काहे की बसंत की बसंत की हाँ कि जिसे देख के हम दोनों के दिल जाएंगे डोल के जिसे देख के हम दोनों के दिल जाएंगे डोल घूंघट बट खोल बाल मंदिर बोल घूंघट बट खोल कोई सुन लेगा बाल मंदिर बोल कोई सुन लेगा देखो इधर आओ अब तुम्हारी बारी है घबराइए नहीं पर्दा उठते ही आप खड़ी हो जाइए और गाना शुरू कर दीजिए जी चलो क्या कर रही हो जाइए ना मुझे डर लगता है ओ दीदी मैं जानता था ये छोकरी जरूर गड़बड़ करेगी भाई दीदी गाओ एक गाना दीदी शुरू कीजिए ना ये कमबख्त हमें कहीं करना रखेगी चुप रहिए क्या बात है पिताजी गाइए ना छोटी उम्र यादें छोटी उम्र
देखो जी, ये कपड़े उतारो और भाग जाओ यहाँ से। हरगिज नहीं, आप इन्हें निकलवाने वाले कौन? मैं बता दूंगा, जाओ जल्दी से। इन्हें ड्रेसिंग रूम में ले जाकर कपड़े बदलवाओ, मैं अभी आता हूं। ने तो हमारा नाम बदनाम कर दिया, किसी काम के नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मगर आपने सुना ही नहीं। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। हंसी उड़ा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, मेरे आने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही जो मुनासिब समझो करो, यानी अगर काम के नहीं है तो निकाल दो। जी मैंने पहले ही निकाल दिया, आप जानते हैं अधूरा काम तो मैं करता ही नहीं। छोड़ो मुझे तो। हेलो भैया, भैया भैया, हेलो, क्या है? नहीं नहीं मैं नहीं रख सकता, मुझे डिक मत कर। लेकिन भैया इतनी रात को इन्हें कैसे निकाल दें? बेचारों का कोई ठौर ठिकाना भी नहीं, फिर आज पहली बार स्टेज पर आए थे सो घबरा गए। ऐसा ना कीजिए भैया, ये इनके साथ बड़ा जुल्म होगा। तो मैं क्या करूं? क्या यहां ला रहा है? हाँ हाँ, और कहां ले जाऊं भैया? आप इन्हें आसरा दीजिए, सिखाइए, इतने स्टार आपने बना डाले, इन्हें भी मौका दीजिए। मैं ला रहा हूं इनको। शैतान, तू मानेगा थोड़ी, रोज मेरी जान को एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है, गदा कहीं का। रोज नहीं भैया, कभी कभी। कहिए, हैं हम भी कुछ? उमा देवी, बाबुल वो तो चले गए। कहाँ? मुझे क्या मालूम, जाने भी दो निर्मल। दलीप, तुमने उमा देवी और बाबुल को भी जाते देखा? हाँ, वो उस तरफ गए, मैंने रोका मगर वो रुके ही नहीं। अब क्या करेंगे दीदी? यूं ही चलते रहेंगे सवेरे तक। बाबुल ठहरो, कहाँ जा रही हैं आप? कहीं नहीं, यूं ही चले जा रहे हैं। ये क्या पागलपन है? भैया ने मुझसे कहा है आप दोनों घर ले आओ। क्या फायदा, हम उनके किसी काम के नहीं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसके लिए हम आपका एहसान मानते हैं। देवी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चलिए, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। देखिए, बना बनाया खेलना बिगाड़िए, चलिए आओ बाबू। मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम नाकामयाब रही, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जानकी बाबू, मुझे एक मौका और दीजिए। निर्मल बाबू कहते हैं कि तुम फिर एक बार कोशिश करो तो जरूर कामयाब हो जाओगी। तुम जिंदगी भर कोशिश करो लेकिन कुछ न हो सको, यहाँ से चली जाओ। मुझ पर दया कीजिए, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? जाओ, जाओ यहाँ से। सावन हंसाए भादो रुलाए, सावन हंसाए भादो रुलाए, सावन हंसाए भादो रुलाए, मोरी कोयल सदा मंगल मनाए, मोरी कोयल सदा मंगल मनाए, फूके सांझ सकारे, ये फूके सांझ सकारे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे।
मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। छोटी सी दुनिया की छोटी छोटी बातें, छोटी सी दुनिया की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दिन और छोटी रातें, छोटे छोटे दिन और छोटी छोटी रातें, छोटी उम्र यारे, ये छोटी उम्र यारे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। बाबुल, बाबुल, क्या है उमा देवी? जी कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आती। बाबुल जाग रहा है? जी नहीं, उस कमरे में सो रहा है। क्यों? चाहती थी कुछ देर उससे बात करूं, मैं परेशान सी हूँ। ओह, तब एक काम करें, बाबुल को सोने दीजिए, हम लोग बाहर वरांडे में चलकर बैठे और बातचीत करें, यानी अगर आप पसंद करें तो। जी रहने दीजिए, मैं ऊपर जाती हूँ, आपको तकलीफ होगी। जी नहीं, तकलीफ की क्या बात है, बाहर चलकर बैठिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलिए। कितनी सुहानी रात है, नहीं, चांदनी छिटकी हुई है, हजारों तारे चमक रहे हैं, कितने खूबसूरत मालूम होते हैं। आप मुस्कुराई क्यों? जी वैसे ही। नहीं नहीं, बताइए क्यों मुस्कुराई? चांदनी रात में कई हजारों तारे चमकते हैं। जी जी, ये तो है। खूब प्यारी प्यारी चांदनी, प्यारी प्यारी जोड़ी, मीठी मीठी बातें, क्या कहना है। ये क्या कह रही हो मीना, ये परेशान थी और। जी मुझे मालूम है, फिक्र न कीजिए। अच्छा मैं जाती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। धोखा न खा जाना बाबूजी, कूद तो पड़े हो, पर याद रखना समुंदर में पानी भी है और पत्थर भी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, तुमने यहाँ इनसे इंतजार करने को कहा था, मैंने सोचा अकेली बैठी है सो। उमा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम ऐसे कपड़े मत पहना करो, बाहर जाती हो लोगों से मिलना जुलना होता है, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। देखो पसंद है? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा तो अब कपड़े बदल डालो और थिएटर को चली जाओ, नहीं तो रिहर्सल को देर हो जाएगी। जी भैया, थिएटर में बोलोगे ना ठीक तरह रिहर्सल नहीं कराते, ये घर पर ही बेहतर सीख सकती है। नहीं, यहाँ कौन सिखाएगा? क्यों, तुम जो हो इतना सिखा डाला। नहीं नहीं, मेरी सेहत अच्छी नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बहुत कुछ तो सीख चुकी है, जो कुछ कसर बाकी है वो तुम सिखा देना बस। लेकिन ये सब होगा किस तरह? मैं बताता हूँ, तुम यहाँ बैठे देखते रहो। एक दुनिया बसा ले मेरे मन, दुनिया बसा ले, एक दुनिया बसा ले मेरे मन, दुनिया बसा ले, एक दुनिया बसा ले मेरे मन, दुनिया बसा ले। दूर कहीं जहाँ कोई गा न सके हाँ, दर्द भरे गीत कोई गा न सके हाँ, चुपके से नैनन में पीक बुला ले, चुपके से नैनन में पीक बुला ले।
हो छोटी छोटी बातें, छोटी सी दुनिया हो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दिन हो छोटी छोटी रातें, छोटे छोटे दिन हो और छोटी छोटी रातें, रातों को सपनों से खूब सजा ले, रातों को सपनों से खूब सजा ले, मेरे मन दुनिया बसा ले, एक दुनिया बसा ले, मेरे मन दुनिया बसा ले। घर घर हो जादू के खेल निराले, घर घर हो जादू के खेल निराले, आप चले गए जहाँ रूठने वाले, घर घर हो जादू के खेल निराले, आप चले गए जहाँ रूठने वाले, वो तुझको मनाए और तू उनको मना ले, वो तुझको मनाए और तू उनको मना ले, एक दुनिया बसा ले, मेरे मन दुनिया बसा ले। दूर कहीं जहाँ कोई गा न सके, हाँ दर्द भरे गीत कोई गा न सके, हाँ चुपके से नैनन में पीक बुला ले, चुपके से नैनन में पीक बुला ले, मेरे मन दुनिया बसा ले, एक दुनिया बसा ले, मेरे मन दुनिया बसा ले, एक दुनिया बसा ले, मेरे मन दुनिया बसा ले। नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, अब गाना वाना तो क्या सिखाएंगे, फजूल वक्त खराब होगा। क्यों पसंद नहीं आया? मुझे हर बात के बतलाने की जरूरत नहीं है, जो कहता हूँ वो कर, इन्हें थिएटर ले जा। तुम्हारी मर्जी। कुछ बात हो गई है? नहीं नहीं, कभी कभी भैया के मिजाज का मुझे भी नहीं पता चलता। खैर आप जल्दी से तैयार हो जाइए। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे इंतजार बहुत देर से, कुछ कहना है तुमसे। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों सता रहे हो? सता रहा हूँ क्या मतलब? तुम जानते तो हो सब कुछ। देखो मीना, मुझसे उल्टी उल्टी बातें ना किया करो। अब उल्टी हो गई? 10 बरस पहले तो यही सीधी थी। 10 बरस पहले तुम इतनी सी थी, एक भोली भाली बच्ची, अब हो गई हो, कहना नहीं चाहता क्या? मुझे इस तरह जलील न करो, मेरा दिल टूटा जाता है। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। जी रोना तो इसी बात का है। ओह तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम उस लड़की को चाहते हो? क्या क्या कहा तुमने? तुम उस लड़की से प्रेम करते हो, तभी तो उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुम उसके साथ ब्याह करना चाहते हो, मगर मैं इसे ना होने दूंगी, अपनी जान पर खेल जाऊंगी, जहर खा लूंगी। अरे ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी नहीं, जरा चाल धीमी करो, मेरा सर चकरा रहा है। तुम्हारे जो जी में आए सो करो, लेकिन पहले मुझे यहाँ से चला जाने दो। निर्मल निर्मल जाओ। ओह मैं तुम्हारे चरित्र खूब जानता हूं, लो उठो, नहीं तो तुम्हारा सर है और ये ठंडे पानी का जग। अरे नहीं नहीं। शाबाश, अच्छा अब झट से जाके नौशादर की शीशी सूंघ लो, तबीयत छक हो जाएगी। दुष्ट, क्या हुआ? मीना चली जा रही है, कहती है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मीना ठीक ही तो कहती है, चलिए। क्या सोच रही हैं आप? ऐसा क्यों किया आपने बेकार? क्या किया? थिएटर की बजाय मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्या कहूँ, सवाल लाजवाब है, लेकिन आप खुश तो हैं यहाँ आने से? जी मुझे इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। सर बताइए तो आप क्यों इतनी खुश हैं? क्या कहूँ, सवाल लाजवाब है। खूब, मेरा ही सोटा मेरे ही सर। निर्मल बाबू जी, अब क्या होगा? क्यों
क्या हुआ? यही कि आप और मैं यहाँ इस तरह आ गए। ओह, मुझे तो डर लगता है। वाह, इसमें डरने की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा जब मैं भैया से कहूँगा। क्या कहिएगा? यही कि हम एक दूसरे से, यानी कि हम ब्याह करना चाहते हैं। उमा, बस तुम होगी और मैं, न कोई मुसीबत न कोई फिक्र, बहुत दुख उठा चुकी हूँ। हाँ उमा, अब मैं तुम्हें काम न करने दूंगा, ये सब मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। नहीं नहीं, मैं अपना बार आप पर न डालूंगी। बहुत भारी हो ना? सच उमा, इस बार के उठाने में मुझे कितनी खुशी होगी, मेरा दिल जानता है। सच? इतना सच जितना कि तुम उमा हो और मैं। अरे क्या हुआ? अपना नाम ही भूल गया। आपका नाम? हटिए, मैं क्या जानू। पकड़ लिया। क्या हुआ? कांटा है शायद। देखो देखो। नहीं नहीं, मैं निकाल लूंगी। वाह, पैर तले भी कोई देख सकता है? लाओ मैं निकाल लूं। नहीं, रहने दीजिए। क्यों, शर्माती हो? पैर में कांटा, आंख में लज्जा, मुंह में ना और मन में हाँ। लाओ निकाल दूं। इतनी देर लगा दी आपने। अरे भाई, इतनी ही देर में निकलता है इतना बड़ा कांटा। उफ, देखो तो। जाओ भाई अपने झाड़ झंकाड़ में, और खबरदार जो फिर किसी सुंदरी के पाँव से उलझा। आओ। अरे अरे, ये क्या करती हो? कुछ नहीं, यहाँ आइए। आखिर क्यों? आइए ना, मैं पैर छू लूं। वाह, मेरे पैर में भी कोई कांटा लगा है? अच्छा, मेरे पैर में तो लगा है। आइए। ओह, मुझसे चला नहीं जाता। कांटा लागो, हाँ हाँ कांटा लागो रे सजनवा, मुँह से राह चली ना जाए। उई माँ, राह चली ना जाए। कांटा लागो, हाँ हाँ कांटा लागो रे सजनवा, मुँह से राह चली ना जाए। राह चली ना जाए, मुँह से राह चली ना जाए। कांटा लागो रे सजनवा, मुँह से राह चली ना जाए। साजन कांटा मीत बने हैं मोरी गली में जाए। साजन कांटा मीत बने हैं मोरी गली में जाए। एक चुपके से चूहे बदन में, एक चुपके से चूहे बदन में तू जा हंसी उड़ा। राह चले ना जाए रामा, राह चले ना जाए दया, राह चले ना जाए। कांटा लागो, हाँ कांटा लागो रे सजनवा, मुँह से राह चली ना जाए। कांटा लागो रे सजनवा, मुँह से राह चली ना जाए। कलियां चुनने चली मलनिया, कांटों से घबराए। कलियां चुनने चली मलनिया, कांटों से घबराए। सुख वो कैसे पाए बावरी, सुख वो कैसे पाए बावरी, दुख से जो डर जाए। सुख वो कैसे पाए बावरी, दुख से जो डर जाए। आओ सजन हाथ पकड़ लो संग संग दोनों जाए। आओ सजन हाथ पकड़ लो संग संग दोनों जाए। गली गली में कांटे हैं जो कली कली बन जाए। गली गली में कांटे हैं जो कली कली बन जाए। फिर मत कहना कभी सजनिया राह चली ना जाए। फिर मत कहना कभी सजनिया राह चली ना जाए। मुँह से राह चली ना जाए रामा, राह चली ना जाए। कांटा लागो, आहा कांटा लागो रे सजनवा, मुँह से राह चली ना जाए। कांटा लागो रे सजनवा, मुँह से राह चली ना जाए। दीदी कहाँ चली गई थी? थिएटर में रिहर्सल के लिए क्यों नहीं गई? मैं जरा निर्मल बाबू के साथ सैर को चली गई थी। दीदी ऐसा क्यों किया तुमने? जानकी बाबू गुस्से से आग बबूला रहे हैं, ना जाने क्या कर डाले हमें। फिक्र ना करो, मैं सब ठीक किए देता हूँ। चलो। ओ, तुम आ गई, चलो तुमसे कुछ कहना है। लेकिन भैया मुझे भी आपसे कुछ कहना है। चुप रे, तुझसे कौन पूछता है? लेकिन खामोश खड़ा रही यहाँ, हर बात में टांग ना उड़ा। चलो। तुमने भैया से कुछ कहा? कौन, मैंने? मुझे क्या पड़ी? उनके आंखें नहीं है क्या?
दिल बहलेगा? नहीं। मैं गाऊं तो तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। हुआ क्या कसूर जो हमसे हो दूर, जाने दीगर आंखों के नूर। हुआ क्या कसूर जो हमसे हो दूर, जाने दीगर आंखों के नूर। हुआ क्या कसूर जामे मोहब्बत हमारी गली में, जामे मोहब्बत हमारी गली में, जामे मोहब्बत हमारी गली में, छलकाते चले छलकाते चले तुम लुटाते चले, हाँ छलकाते चले तुम लुटाते चले, हमारा ही दिल तरसाते चले, बस हमारा ही दिल तरसाते चले। कैसी सजा है ये मेरे हुजूर, हमसे हो दूर जाने जिगर आंखों के नूर। हुआ क्या कसूर जो हमसे हो दूर, जाने जिगर आंखों के नूर। हुआ क्या कसूर औरों ने पी और लगे झूमने, हाँ लगे झूमने, औरों ने पी और लगे झूमने, हाँ लगे झूमने, हमने भी पी पर न आया सुरूर, हमने भी पी पर न आया सुरूर। ऐसे पिलाओ के पीते रहे हम, के पीते रहे हम, ऐसे पिलाओ के पीते रहे हम, के जीते रहे हम, के जीते रहे हम। नशे में हो चूर, नशे में हो चूर आंखों के नूर। हुआ क्या कसूर जो हमसे हो दूर, जाने जिगर आंखों के नूर। हुआ क्या कसूर पसंद आया? जी निहायत। बस खुश हो? जी निहायत। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। मैंने जानकी बाबू से माफी मांग ली है और वादा कर लिया है कि रोज सुबह थिएटर में रिहर्सल के लिए जाऊंगी और सख्त मेहनत करूंगी। यही ठीक है। हमारे बारे में भैया से कुछ कहा? नहीं। तब मैं कहता हूँ। नहीं अभी नहीं। क्यों? इस वक्त उनका मिजाज बिगड़ा हुआ है, कहीं गुस्से में आके हमें निकाल दिया तो क्या? मैं दूसरी जगह तलाश कर लूंगा। लेकिन मैं अकेली तो नहीं हूँ, बाबल भी तो मेरे साथ है, और अगर कहीं आपको जगह न मिली तो? तुम इसकी फिक्र मत करो। नहीं नहीं, मैं अपने लिए आपको ऐसा न करने दूंगी। क्यों? अभी आपको मुसीबत से पाला नहीं पड़ा, आप नहीं जानते मारे मारे फिरना, भूखे प्यासे रहना किसे कहते हैं, मुझे तो आदत है। अच्छी बात है, तुम जो ठीक समझो करो। घबराओ मत, मैंने कुछ नहीं सुना। कानों में उंगलियां दे रखी है कि नहीं? मुझसे खफा हैं आप? नहीं। मैंने कोई बात आपका दिल दुखाने के लिए तो नहीं कही थी? मेरी तरफ देखिए, देखिए मेरी तरफ। जब मैं पहले पहले आई थी तो मेरा इरादा काम करने का बिल्कुल नहीं था, ये आप जानते हैं, आप ही ने हद की थी।
आप चाहते थे कि मैं एक बड़ी स्टार बनूं। हाँ मुझे मालूम है। फिर सब कुछ करके अब आप चाहते हैं कि लोग हमारी हंसी उड़ाएं। मैनेजर साहब और मीना देवी तो उस पर उधार खाए बैठे हैं, आप उन्हें ये मौका देना चाहते हैं? चाहता तो नहीं। तो फिर मुझे ना रोकिए, जिस बात का बीड़ा उठाया है उसे तो पूरा करना ही चाहिए, मुझे भी और आपको भी। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारा काम हमारे जीवन में बाधा ना डाल दे। कभी नहीं, आप जब कहेंगे छोड़ दूंगी, लेकिन अभी ना छुड़ाइए। अजी एक दफा इस काम में पड़ गई तो फिर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं, कल आपको काम मिल जाए मैं कल छोड़ दूं, वादा करती हूँ। तब तक हमें सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता, ये काम तुम जैसी देवी के लायक नहीं। पहले तो आपने ऐसा नहीं कहा था। तब तुम रोजी की तलाश में यहाँ आई थी, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। अब बात और है, मुझे बुरा मालूम होता है कि मेरी पत्नी, यानी तुम थिएटर में काम करो या कोई भी काम करो। नहीं नहीं, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर कहीं ना कहीं आपको जगह मिल ही जाएगी। अच्छी बात है। मैं जानती थी आप समझ जाएंगे, लेकिन अब आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं काम करूंगी, आप काम तलाश करेंगे, क्यों? अच्छा, क्यों राय जी, तुम्हारे स्टार बनना मंजूर है तुम्हारे राजा को? जरूर। भला कितने दिन लगेंगे स्टार बनने में? सुनो तो, कौन जाने, पर अब बनूंगी जरूर, तभी तुम्हारा मुंह बंद होगा। जी कुछ कीजिए ना, अगर आज उमा कामयाब हो गई तो मेरी तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ होना है होगा। आप कुछ कर नहीं सकते या मेरे लिए करना नहीं चाहते? ये क्या कहती हो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कोई कसर रखूंगा? जानकी बाबू ने सब इंतजाम अपने हाथ में ले लिया है, समझ में नहीं आता क्यों। आए हुए एक महीना भी नहीं हुआ और आज वो स्टेज पर भी निकलेगी। कल मुई मेरे उम्र भर के किए धरे पर पानी न फेरते। पिताजी यूं बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ कीजिए। तो क्या करूं, तू ही बता, मुझे तो कुछ सोचता नहीं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक, दलीप दलीप मेरा एक काम करोगे? काम क्या? अगर न किया तो मैं उम्र भर के लिए बर्बाद हो जाऊंगी दलीप। नहीं जी, ऐसा क्या काम है? अगर वो कमबख्त उमा आज कामयाब हो गई तो मैं कहीं की न रहूंगी, तुम मुझे बर्बाद होते हुए देख सकोगे? जब तुम आए थे मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम मेरी मदद करो। जी मगर आपकी मदद है। तुम जो मांगोगे दूंगी, 100, 200, 500। आखिर क्या करना है? देखो कुछ आदमियों को इकट्ठा करो, टिकट खरीद कर दो, कुछ रुपए भी दो, और जिस वक्त उमा का काम खत्म हो सब मिलकर चिल्लाओ, हंसी उड़ाओ, सड़े अंडे, टमाटर, जूते स्टेज पर फेंको, समझे? जी, सड़े अंडे, टमाटर, जूते, बस यही? बस, करोगे? बोलो। आप कहती हैं तो सही, मगर हाँ हाँ, आपने बड़ी अकलमंदी की जो मुझे से कहा है ना। लो, इस वक्त मेरे पास कुल 50 रुपए हैं, बाकी बाद को दूंगी, अब मुझे इत्मीनान हुआ। अच्छी, अभी क्या, जब आप हम लोगों की कारगुजारी देखेंगी इत्मीनान तो तब होगा, ऐसा तमाशा आपने कभी ना देखा होगा, फिक्र ना कीजिए। Thank you.
अंत सखे बिरहा का अंत सखे वन वन में चाले बहार, वन वन में चाले बहार। आला बसंत सखे बिरहा का अंत सखे वन वन में चाले बहार, वन वन में चाले बहार। घूंघट उघात गलियों ने चुपके से घूंघट उघात कहा रे बवरवा सुना दे गुंजार, कहा रे बवरवा सुना दे गुंजार। गुलाबी गुलाबी खुमार, गुलाबी गुलाबी खुमार। आया बसंत सखी बिरहा का अंत सखी बन बन में चाली बहार, बन बन में चाली बहार। गले में डार भैया, गले में डार। मिल मिल मनाए त्योहार मिलन का, मिल मिल मनाए त्योहार। मिल मिल मनाए त्योहार मिलन का, मिल मनाए त्योहार। आया बसंत सखी बिरहा का अंत सखी बन बन में चाली बहार, बन बन में चाली बहार। जानकी बाबू, मैं आज बहुत खुश हूँ। दिल से आपका एहसान मानती हूँ। इतनी खुश हूँ कि कह नहीं सकती। अभी क्या है उमा, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं और तुम रोती हो। मैं रोती नहीं, बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो, पोंछ डालो आंसू। दीदी, अरे तुम यहाँ हो। ओ दीदी, कह नहीं सकता कि क्या कहूँ। नहीं भैया, ये जो कुछ भी हुआ तेरी ही बदौलत, तू ही तो मुझे यहाँ लाया था। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है दीदी। ओ, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा बाबू, अब जाओ, कुछ देर इन्हें आराम करने दो। जी अच्छा, दीदी जब मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ जी, अंदर कोई नहीं जा सकता, बाबू जी का हुक्म है। जी जी। तुम कामयाब हुई, आज से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए होगा, उन लोगों के लिए जो रोज यहाँ तुम्हारा काम देखने और तुम्हें दाद देने आया करेंगे।
अब तुम उनकी हो। उमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, देखो। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत मैं समझता हूं। उमा, बहुत सुंदर मालूम हो रही हो, देवी सी। काश मैं। क्या जानकी बाबू? कुछ नहीं उमा, वैसे ही। बताइए ना, बताइए। मैं दरअसल ये कहना चाहता था कि कोई बात नहीं, जाने दो। क्या बात है जानकी बाबू, कहिए ना। तुम नहीं मानती तो कहता, लेकिन गलत ना समझना। आज तुम्हें देखकर ख्याल हुआ कि कुछ बरस पहले तुम यहाँ आई होती तो मैं तुमसे ब्याह कर लेता। तुमने बुरा तो नहीं माना हूँ जी? नहीं जानकी बाबू, आप मुझे घर ले चलिएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। जरूर चलो। ओह, कहाँ थी तुम? तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। शुक्रिया। आज गजब का काम रहा ना इनका। जी, क्या कहने हैं। ओह, कितना खूबसूरत बाबूजी ने दिया होगा। हर पहली कामयाबी पर बाबूजी इनाम दिया करते हैं। मुझे ये दिया था, याद है? हाँ उमा, जाकर कपड़े बदलो, घर चले। निर्मल, एक खबर लाई हूँ, एकदम सुनते तो घबरा जाते। वो तो मेरे कानों में भनक पड़ गई, दौड़ चली आई कि तुम्हें बचा लूं। मुझे बचा लो? हाँ हाँ, तुम्हें। जी, अब क्या कहा कि कौड़ी लाई हो, उगलो तो। अरे कौड़ी वोड़ी नहीं, तुम्हारे हीरे की खबर है, उमा की। उमा की? क्या हुआ उनको? तू इतना घबरा क्यों गए? उसे थोड़ा ही कुछ हुआ है। हुआ तो तुम्हें है बाबू साहब, तुम्हारी उमा तुम्हें धोखा दे रही है। मीना, पहलिया ना बुझाओ, साफ साफ कहो। तो लो सुनो, उमा ने आज बड़ा नाम किया है और एक बड़ा काम भी। वो जानकी बाबू के साथ ब्याह कर रही है। क्या? हाँ हाँ, अपने कानों सुनी चली आ रही इन दोनों की बातें। जानकी बाबू कह रहे थे हो सकता तो मैं तुमसे ब्याह कर लेता। तुमने बुरा तो नहीं माना उमा? जिस पर वो झट से बोली जी नहीं। जब दोनों बाहर निकले तो बहुत खुश थे, मारे गुरूर के मुझसे बोली तक नहीं। खैर मेरी बात जाने दो, वो तुम्हें भी कुछ नहीं समझती। जानकी बाबू के पास पैसा है सब उनकी है, तुम्हारे पास होता तुम्हारी होती। बस या और भी कुछ? यानी आप मेरा यकीन नहीं करते, तो जाओ उसी से पूछ लो। इसकी जरूरत नहीं, मुझे यकीन हो गया, तुम जाओ यहाँ से। पर तुम खुश तो हो कि इतनी जल्दी उसके पंजे से निकल गए? अजी, वो तो तुम्हारी जूती की खाक के बराबर भी नहीं। मीना, जाओ यहाँ से। निर्मल, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं जानती थी तुम मेरे हो और मेरे होकर रहोगे। ओह निर्मल, हमारा जीवन। अरे अरे, मुझे निकाल क्यों रहे हो निर्मल? उमा, मैं चेतन में तुमसे न जाने क्या क्या कह गया, तुम नाराज तो नहीं हो? जी नहीं। मेरी बातों का ख्याल ना किया करो, मैं बुरा हो चला हूँ, कभी कभी ऐसी बातें कर बैठता हूँ जो ना करनी चाहिए, मुझे माफ करो। हुआ आज? कहीं काम मिला? नहीं। थिएटर क्यों नहीं आए? मैं आपकी बहुत राह देखती रही। जी ना चाहा इसलिए नहीं गया। सुनिएगा नहीं, वहाँ क्या हुआ? मुझे मालूम है तुम बहुत कामयाब रही। आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे विश्वास था और मैंने सुना भी। किसने कहा? सभी कह रहे हैं
और ऐसी खबरें तो आग की तरह फैल जाती हैं। क्या बात है, मैंने कोई भूल तो नहीं की? नहीं तो भूल कैसी, सिर्फ कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि हम दो रेलगाड़ियां हैं एक छोटे से स्टेशन पे मिले और अपनी अपनी राह चले गए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मुझे डर मालूम होता है। क्यों, कहीं ऐसा ही कुछ हो गया तो? तो अभी से क्यों परेशान होती हो, आज तो तुम्हें सब तरह से खुश होना चाहिए। हाँ चाहिए तो, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। और मैं कुछ नहीं कह सकती। उमा, तुम समझती हो इसका मतलब, तुम सचमुच चाहती हो कि मैं इसे अपने पास रखूं? जी हाँ, इसीलिए तो पहनाई है। तब आओ। भैया भैया। हाँ क्या है भैया, हम ब्याह कर रहे हैं। ब्याह? हाँ। उमा से? हाँ। ओ चुप क्यों हो गए भैया, कुछ कहो। कहना क्या है, जरूर करो ब्याह, बड़ी खुशी की बात है। सच? हाँ हाँ। चलो की रात, दुल्हा अकेला और दुल्हन गायब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम दोनों को मुबारकबाद देने आई थी, लेकिन देखती हूँ यहाँ तो दुल्हा ही दुल्हा विराजमान है। शायद दुल्हन थिएटर से अभी वापस नहीं आई। क्यों? हाँ। ओह, मुझे आपसे सख्त हमदर्दी है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं, बस तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जाने को तो आई हूँ, रहने बसने को नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, अगर मैं दुल्हन होती तो आज अपने दुल्हा मियाँ को इस तरह छोड़कर न जाती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती। मीना जाओ यहाँ से, इस तरह जहर उगल कर मुझे न जलाओ। अभी क्या है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा अच्छा चुप रहो। तुम लाख बिगड़ो, पर सच तो सच्ची है, तुम ये नहीं जानते उमा कौन है, कहाँ की है, उसके माँ बाप कौन है। हमने इतना कहा पर कौन माने, तुमने ये सब जानने की जरूरत ही न समझी। तुम उसके पीछे मरे जाते हो और उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं होती, तो लोगों की वाहवाही लेने के लिए तुम्हें छोड़कर थिएटर न चली जाती। ऐसी औरतों से किसी की निप सकती है, जो ये सैलानी जी तुम्हारे घर बार सुख चैन सब कुछ चौपट करके तुम्हारे नाक को कलंक न लगाते तो कहना। उमा, उमा, नहीं नहीं उमा, ये क्या करती हो? उसने आपसे ऐसी ऐसी बातें जो कही, क्यों कही? खैर जाने दो, आओ बैठो। क्या हुआ मीना देवी? कुछ नहीं, लेकिन आप मुझे मल रही हैं, चोट लग गई? हाँ, फिर तुझे क्या? जी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, लेकिन आपको तो मजा आ गया होगा। क्यों? ठीक हुआ। जी ये क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ना जाने मीना देवी को अपनी तस्वीर पर क्यों गुस्सा आ गया, जब से तोड़ डाली। अजीब बात है। भैया कल हम इस घर से चले जाएंगे। चले जाएंगे क्यों? क्योंकि उमा यहाँ बहुत दुखी है। दुखी है? वजह? इसकी बहुत सी वजह है। क्या बकबक कर रहा है, उमा कहाँ है? उनके पास जाने से कोई फायदा नहीं, और इसके अलावा आपसे मैं उन्हें थिएटर में काम भी न करने दूंगा। ओ, ये बात है, ये एकदम आपकी मत कैसे फिर गई, कहिए तो। मैं हर बात की जवाबदेही के लिए मजबूर नहीं। तब गुजर कैसे होगी, कम से कम इतना तो बता दीजिए।
मुझे दो चार दिन में काम मिल जाने की उम्मीद है। तो जाइए, पहले काम मिल जाने दीजिए, तब मुझसे आकर कहिए। सुनकर हमें भी तो खुशी हो कि जीवन में आपने कुछ किया। तब तक मैं उमा को कहीं ना जाने दूंगा। क्यों भला? तू मेरे मुंह लगता है बेशर्म। उम्र भर बेकार बैठा, भाई का रुपया बर्बाद करता रहा और अब एक लड़की का जीवन बर्बाद करना चाहता है। तो आपको उसके जीवन से क्या मतलब? मुझे अब तक जो तेरी जिदों को पूरी कर करके तेरी आदत बिगाड़ दी है ना, उस भूल का सुधार करना चाहता हूँ, समझा? और जो वो खुद ही जाना चाहे तो? जी नहीं, वो आप जैसे बेवकूफ नहीं जो जाना चाहे, और चाहे भी तो मैं ना जाने दूंगा। वही जैसे सब कुछ हो गई कि जब चाह आ गई, जब चाह चली गई। तब उन्हें न जाने दोगे? कभी नहीं, जब तक कि तू अपनी गृहस्थी संभालने के काबिल ना हो। जा, इस काबिल बन तब आना मेरे पास। अच्छी बात है, लेकिन अगर उमा को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। अरे हाँ हाँ, जा, बड़ा आया जिम्मेदारी समझाने वाला, बेवकूफ कहीं का। क्या हुआ? भाभी बेहोश हो गई है। बेहोश? अभी ना जाइए, अंदर डॉक्टर है। लेकिन हुआ क्या, बेहोश कैसे हो गई? घबराइए मत, खतरे की कोई बात नहीं। तुम उसे मार डालोगे, समझे? तुम कुछ होश भी है बेवकूफ? होश तो तुम्हें है जो जानबूझकर उसकी जान ले रहे हो। चुप भी रहेगा के? नहीं रहूंगा चुप। मुझे सब मालूम है, तुम उससे ब्याह करना चाहते थे और जब न कर सके तो बदला लेने की ठानी उससे और मुझसे। निर्मल, निर्मल बाबू, ये क्या पागलों की सी बातें कर रहे हैं आप? चुप रहिए, भाभी अच्छी हो जाएंगी। एक बार अच्छी हो जाने दो, तब सलाम आपको और आपके काम को। कर चुके जो करना था, सुना? अच्छा अच्छा। कैसी है? कितने दिन से काम कर रही है? 6 महीने से। 6 महीने से? अब उन्हें काम न करना चाहिए। क्या बात है, कोई खतरा है? नहीं, बाल बच्चा होने वाला है। बच्चा? तो आप यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हैं? जाइए जल्दी से, कुछ कीजिए। घबराइए नहीं, अभी दिन है। ओह, मैं अंदर जा सकती हूँ? जा सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी बात से परेशान न कीजिएगा। जी हाँ, देखिए चुपचाप जाइए। तबीयत अच्छी है ना? हाँ। जानती हो मैं क्या करने वाला हूँ? तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और अब से खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। सच? मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं तो थक गई। मेरी उम्मीद, मैं अब तुम्हें यहाँ काम न करने दूंगा। अभी मकान ठीक करके तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। निर्मल, ऐसी हालत में कहाँ ले जाएगा, दिखता नहीं? जी सब देखता हूँ और अपना फर्ज भी। बेवकूफ ना बन, जरा कल से काम ले। देखिए, मैं आपके उपकारों को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब देखती हूँ कि मुझसे काम ना हो सकेगा, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ। कम से कम ऐसी हालत में तो मैं तुम्हें ना जाने दूंगा। जी शुक्रिया, लेकिन मैं इन्हें यहाँ 1 मिनट ना छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम भी यही चाहती हो तो मैं मजबूर हूं, लेकिन घर तुम्हारा ही है, जब चाहो चली आ। दीदी मैं भी चलूंगा ना, काम यहां करूंगा और रहूंगा तुम्हारे साथ, हैं? हाँ हाँ जरूर, क्यों? नहीं 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 नही
उमा आओ ना जल्दी से, ये तो चुप ही नहीं होती। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, भूखी है। ला मुझे तो। अरे बस इतना सा दूध? हाँ। तुम तो कहते थे आज किसी सेठ से मिलना है, जाओगे नहीं? शायद कोई काम मिल जाए। हाँ उमा जाता हूँ। पर देखो खाने को देर न करना। नहीं दीदी, कब तक काम चलेगा? जानकी बाबू आज भी कह रहे थे कि उमा यहाँ क्यों नहीं चली आती, निमल को जब तक कोई काम ना मिले वो यहीं रहे। नहीं बाबुल, एक दफा चली आई तो फिर उन पर बार नहीं डालना चाहती, और ये भी पसंद ना करेंगे। तो तुम थे तो मैं काम क्यों नहीं करती, पहले कर भी चुकी हो। नहीं अब ये नहीं हो सकता। दीदी मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कह रहा, बल्कि मुन्नी की खातिर। दो चार दिन और सही, फिर उसे किस तरह खिलाओ पिलाओगी? देखो भगवान मालिक है, देख तो कौन है। ओ आप हैं, आइए। निर्मल बाबू कहाँ हैं? अभी बाहर गए हैं। ओ कौन है बाबुल? ये किराया लेने आए हैं। नमस्ते उमा देवी। नमस्ते उमा देवी। अब मालिक किसी तरह नहीं मानते हैं, 10 महीने का किराया चढ़ गया है, वो मुझ पर बहुत बिगड़ पड़े हैं। कहते हैं आज किराया न मिला तो आपको मकान खाली कर देना पड़ेगा। मैं अपनी सी तो बहुत कर चुका, लेकिन कितना किराया है? सब मिलाकर 160 रुपए। 160 रुपए? अच्छा कुछ देर बाद आइए, मैं आपको किराया दे दूंगी। ओ, निर्मल बाबू को कहीं काम मिल गया है क्या? अभी तो नहीं, पर भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा। तब इतने रुपए का कैसे बंदोबस्त करेंगी आप? कर लूंगी, थोड़ी देर बाद आइए। अच्छी बात है, नमस्ते। बाबुल यहाँ आइयो। भैया जरा जल्दी से किसी जौरी की दुकान पर जा और इसे बेच के जो कुछ मिले ले आ। दीदी के ही तो तुम्हारे पास बाकी रहा है, इसे मत बेचो दीदी। क्या करूं बाबुल, इसे देखूं या अपनी बच्ची की जान को? हम लोग तो मैदान में भी दिन काट सकते हैं, पर बच्चे के सर को तो साया चाहिए। मैं जानती हूं तुझे बुरा मालूम होता होगा, लेकिन दूसरा उपाय भी क्या है। ले बेच के रुपए ले आ, मेरा राजा भैया। दो सौ चालीस। लीजिए किराया। कहीं से उधार तो नहीं लेना पड़ा? नहीं, मैंने आरे वक्त के लिए कुछ रख छोड़ा था। अब बिटिया खूब दूध पिएगी, भल भल पेट, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मूछे, ना भूख ना प्याज, ना रोना ना धोना, बच खाना और छाना, है ना पाजी? उमा, 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 बड़ी अच्छी खबर है। सेठ ने कहा है कि लाहौर में उनके एक दोस्त को एक आदमी की जरूरत है और मुझे लाहौर जाकर उनसे मिलना चाहिए। लाहौर? हाँ। तुम्हें लाहौर जाना होगा? हाँ, मिलना तो होगा ही, वरना वो मुझे क्या जाने। ओ। क्यों? कुछ नहीं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, खाने को तो है नहीं और मैं काम के लिए लाहौर जाने के ख्वाब देख रहा हूँ। कितने रुपए की जरूरत होगी? रुपया तो काफी चाहिए, खैर जाने दो। आखिर कितना? कम से कम 50-60 या इससे भी ज्यादा। तुम तैयारी करो, रुपए का बंदोबस्त हो जाएगा। किस तरह? तुम्हें इससे क्या, तुम तैयारी करो ना। नहीं उमा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मुझे यकीन है कि अब के तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा, मेरा दिल कहता है। क्या कहूं, मेरा दिल तो बैठा जाता है। अब के भी कुछ नहीं मिला तो क्या, जरूर मिलेगा काम। तुम जाओ तो सही लाहौर, पर देखो
वहाँ पहुँचते ही सब हाल लिखना, नहीं तो मुझे बहुत फिक्र रहेगी। समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें फौरन जाके तैयारी करनी चाहिए, जाओ। तुम्हें देखकर मेरी हिम्मत भी बनती है उमा, अगर वहाँ काम बन गया तो ये भी तुम्हारी जीत होगी। चलो रहने दो, बस तुम्हारी और मेरी जीत के दो हैं। तुम जाके तैयारी करो, मैं अभी आई बच्ची को दूध पिला के। अच्छा दीदी, ये क्या किया तुमने? अब तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा? भैया, जिसने मुंह दिया है वो खाना भी देगा, चिंता किस बात की, है ना मम्मी? दीदी, दिलीप भैया तुमसे मिलने आए हैं। बड़ी मेहरबानी की भैया, आइए। धन्य है भाभी, ये मुसीबत और वही मुस्कुराहट। दुख सुख तो लगे ही हुए हैं भैया, रोना किस बात का? बैठिए, क्या खातिर करूं? भाभी, मैं यहाँ खातिर के लिए नहीं आया, अपना घर है, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या भैया? इतने दिन हो गए, निर्मल भैया ने ये भी ना लिखा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप यहाँ। भैया वो बेचारे नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते होंगे, जिस जगह के लिए गए थे वो तो मिली नहीं, फिर खर्च की तंगी, पैसे पैसे का मुँह देखना पड़ता होगा। लेकिन आपको तो फाके करने पड़ रहे हैं, मुन्नी के दूध तक को पैसा नहीं। सब हो जाएगा भैया, वो आजकल में आते ही होंगे। और जो ना आए तो? नहीं नहीं भाभी, ये नहीं हो सकता। लीजिए, जानकी बाबू ने भेजे हैं। मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद दीजिएगा, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती दिलीप बाबू। ये क्या बात है भाभी, जब भी जानकी बाबू रुपए भेजते हैं आप लौटा देती हैं, आखिर यूं कब तक आस लगाए बैठी रहेंगी? आप भी फाके कर रही हैं, बच्ची को भी भूखों मार देंगी। नहीं भैया, हाथ पैर तो दिए हैं भगवान ने, ना होगा, मैं ही कुछ काम कर लूंगी। अगर यही बात है तो फिर से थिएटर में काम क्यों नहीं करती, बल्कि जानकी बाबू ने ये भी आपको कहला भेजा है, बोलिए। नहीं दिलीप बाबू, मैं उनकी आज्ञा के बिना थिएटर में काम नहीं कर सकती। आप थिएटर में काम नहीं करती, किसी की मदद नहीं चाहती, फिर होगा क्या? काम कोई आसानी से मिल जाता है? जरा देखिए तो उसकी तरफ, मारे भूख के बेचारी अधमरी हो गई है, आंखें नहीं खोलती, मासूम, बेकस, कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। भाभी, इस तरह आप इसे मार डालेंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। यही तो होगा, कहता हूँ, अगर बच्ची हाथों से निकल गई तो उम्र भर रोया कीजिएगा।
बाबर। हाँ दीदी। दलीप भैया ठीक कहते हैं, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी से कुछ ना होने दूंगी। बाबर जब तक मैं ना आऊं तो इसी के पास रहना भैया, और रोए तो ये बोतल मुंह से लगा देना, चुप हो जाएगी। पर ये तो खाली है। हाँ हाँ, इसी से बहला देना, मैं लौटती दफा दूध लेती आऊंगी। और देख अकेली ना छोड़ना भैया। हाँ नहीं दीदी। चलिए के पार मिलना, ओ गोरी मोसे गंगा के पार मिलना। मैं तो सोने की तो है बिना मुदरी मोसे गंगा के पार मिलना, ओ गोरी मोसे गंगा के पार मिलना। सैया मोसे गंगा के पार मिलना, ओ सैया मोसे गंगा के पार मिलना। मैं तो जाऊंगी मैं तो जाऊंगी ओहे हरी चुनरी मुझे गंगा के पार मिलना, मुझैया मुझे गंगा के पार मिलना। गंगा किनारे मोरी सुनी हाय हाय मोरी सुनी झोपड़िया राहत तकूं तोरी भरी दुपरिया रे भरी दुपरिया भरी दुपरिया। गंगा किनारे मोदी सुनी हाय हाय मोदी सुनी झोपड़िया राहत तकूं तोरी भरी दुपरिया रे भरी दुपरिया भरी दुपरिया। आइयो 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 बरे गगरी आइयो मोरी रानी बरे गगरी। मैं तो सोने की तो है बिना मुदरी मोसे गंगा के पार मिलना, मोसे गंगा के पार मिलना। तड़प तुम बिना जैसे मछरिया ओ गंगा किनारे मोर सूनी कचरिया आइयो 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 मरे राजा कसम हमारी आइयो मरे राजा कसम हमारी। मैं तो जाऊंगी लोहे हरी चुनरी मुझे गंगा के पार मिलना, मुझे गंगा के पार मिलना। गंगा के पार तुमसे हमार नैना हो चार ओ नैना हो चार। देखे न कोई पर न ककरी मैं तो जाऊंगी ओहे हरी चुनरी। मैं तो सोने की तो है बिना मुदरी मोसे गंगा के पार मिलना, मोसे गंगा के पार मिलना। तो गोरी मोसे खाए मोसे गंगा के पार मिलना। उमा हेलो बाबू, मुझे जगह मिल गई। अच्छा कहाँ? ये पीछे बताऊंगा। उमा कहाँ है?
ओ मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी, मेरी बिटिया, अकेली पड़ी है, उमा कहाँ गई? कहाँ है उमा? अरे बताते क्यों नहीं? क्या बात है? जी बात तो कुछ नहीं। फिर बोला ना उमा कहाँ गई? दीदी थिएटर गई है। थिएटर? हाँ। कब? आज शाम को। लेकिन मैंने तो मना कर दिया था। बात यह है कि पैसा था नहीं और जानकी बाबू मदद करना चाहते थे, सो दीदी को बुला लिया। आप समझा वो रुपया कहाँ से आता था? मुझे बताया तक नहीं, जबरदस्ती मुझे यहाँ से भेज दिया और अब बच्ची को अकेला छोड़कर थिएटर में नाचने चल दी। आप भूल कर रहे हैं भैया, दीदी ऐसे नहीं, सुनिए मैं सब कुछ बताता हूँ। मीना मुझे कुछ काम करना है, तुम दोनों जरा देर को बाहर चले जाओगे? जी जरा देर को क्यों, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ जानकी बाबू, आज जो कुछ हुआ उसके बाद हम यहाँ नहीं ठहर सकते। क्या कह रहे हो, मैं नहीं समझा। आप क्यों समझने लगे, एक का एक मेरा प्रोग्राम बदल कर मुझे एक्स्ट्रा में डाल दिया और मेरी जगह उसको दे दी, इतना अपमान करने के बाद भी आप कहते हैं मैं नहीं समझा। खूब, मगर मीना मैंने तुम्हारा अपमान करने की गरज से नहीं किया, मैं तो उमा को एक मौका देना चाहता था, उसे बहुत जरूरत थी, समझी? इस वास्ते मैंने सिर्फ आज के लिए तब्दीली कर दी, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा न था। जी उनके लिए तो सौ चारे निकल आते हैं, चाहे दूसरे के दिल को कितना ही दुख हो, उसके नाम को कितना ही बट्टा लगे, तो बस हुक्म मानने के लिए है नौकर जो ठहरे। आप क्या कहते हैं? कहना क्या है जानकी बाबू, मीना आपकी नौकर सही लेकिन मेरी लड़की है, इसका अपमान मेरा अपमान है। अच्छी बात है, जाइए। यह नहीं हो सकता जानकी बाबू, मेरी वजह से इन्हें ना जाने दीजिए। जो जाना चाहता है मैं उसे रोक नहीं सकता। मुझे माफ करो बहन, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहती। तुम क्यों जा रही हो फजूल? फजूल तुम क्या समझोगी, तुमने जीवन में कुछ खोया हो तो समझो, इसे मेरा ही दिल जानता है। तुमने जो चाहा पाया, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा नाम, मेरी इज्जत, यहाँ तक कि मैं। बहुत कह चुके, तुम्हें जाना हो तो जाओ, आगे ना कहो। अच्छी बात है, जाती हूँ। इधर आओ मां। ये लीजिए अपना हार, आपने ये मुझे पहली कामयाबी पर दिया था, अब मैं इसे आपको वापस करती हूँ। मीना उमा कहाँ है? दफ्तर में जानकी बाबू के साथ। निर्मल तुम ये सुनकर शायद खुश होगे कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हें तंग करती रही और इसकी सजा मुझे मिल गई। खैर जाने से पहले आओ, हम हाथ मिला ले। तुम जा रही हो? हाँ हमेशा के लिए, अब मेरी यहाँ जरूरत नहीं रही। उमा वापस आ गई और वो जो चाहती थी उसे मिल गया। क्यों नहीं, जानकी बाबू की उस पर पूरी मेहरबानी है। और खैर जी जो जैसा है होने दो, हमें क्या पड़ी है जो किसी का आंचल उखाड़े। चलो। हाथ नहीं मिलाओगे? मुझे बहुत बुरा मालूम हो रहा है कि मेरी वजह से उन लोगों को जाना पड़ा। तुम्हारी वजह से नहीं उमा, उनका दिमाग आसमान पर चढ़ गया था। इसके अलावा मैं जो कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, किसी की क्या मजाल जो उसमें दखल दे और तुम्हारा अपमान करे। जी लेकिन। उनका जिक्र मत करो उमा, वो हमेशा मनमानी करते रहे, मैंने कुछ न कहा। दरअसल तुम्हारे चले जाने के बाद मैं तो थिएटर ही बंद कर देना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि शायद कभी तुम्हें इसकी जरूरत हो, इसलिए चलाता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकेंगे, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की क्या बात है उमा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गई, थिएटर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारा ही है ना? जी। अब तुम कहीं नहीं जा सकती, नब मैं तुम्हें दुख उठाने दूंगा,
चाहे तुम काम करो या ना करो, तुम मेरे साथ रहोगी। और जब वो निर्मल आए मुझे बता देना, मैं उसे दुरुस्त कर दूंगा। अच्छा अब जाती हूँ, बच्ची भूखी है, रोती होगी। हाँ हाँ जाओ, लेकिन बहुत देर न लगाना, दूसरा खेल जल्दी ही शुरू होने वाला है और सबसे पहले तुम्हारा ही काम है, ये लो। इतने? हाँ, आधा थिएटर के मालिक की तरफ से और आधा बड़े भाई की तरफ से अपनी छोटी बहन को। अच्छा तो अब जाओ। सुनो, आते वक्त बच्ची को साथ लेती आना, मैं उसे संभाल लूंगा। दली जी, मेरी कार में इन्हें घर ले जाओ और तुम दोनों जल्दी वापस चले आओ। बहुत अच्छा, जा। बाबुल, बाबुल, अरे कहाँ है तू? मम्मी कहाँ गई? बाबुल, 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 मुन्नी। क्या हुआ भाभी? घर में कोई नहीं है, न बाबुल न मुन्नी, न जाने कहाँ गए सब के सब। ओह, वो आ गए। तब सब लोग थिएटर में गए होंगे आपको लाने के लिए। चलिए। वो यहाँ आए? कौन? बाबुल, मेरी बच्ची और आपके छोटे भाई, वो वापस आ गए हैं। घर पर कोई भी नहीं है। अरे यहाँ तो नहीं आए? यहाँ नहीं आए? उमा क्या बात है? दीदी, दीदी, निर्मल भैया बच्चे को लेके चले गए। चले गए कहाँ? क्या पता, मैंने बहुत रोका पर वो रुके ही नहीं। बहुत दूर तक मैं उनकी टैक्सी के पीछे भागा, फिर मैं थक गया। दीदी, दीदी, अब वो वापस ना आएंगे। रुका नहीं, चला गया, आखिर क्यों? ना मालूम, अभी अभी आए थे, कहते थे मुझे नौकरी मिल गई। जब मैंने कहा दीदी फिर थिएटर में काम करने लगी, तो गुस्से में भागकर बाहर चले गए। कुछ देर बाद टैक्सी लिया है, अब बच्चे को लेकर चले गए और ये घर छोड़ गए। उमा, तुमने अपनी राह निकाल ली, मैं अपनी राह जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी बच्ची पर माँ के कलंक की छाया पड़े, इसलिए मैं इसे लिए जाता हूँ। मेरी तलाश मत करना, मेरे लिए और बच्ची के लिए तुम मर चुके। निर्मल। दीदी, दीदी। उमा, उमा। एक टिकट कलकत्ता। कलकत्ता पी लो। बाबूजी, दीदी इतनी खामोश क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? घबराओ मत, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी। जानकी बाबू, निर्मल बाबू को जल्दी तलाश करना चाहिए। हाँ, मैं अभी पुलिस को इत्तला करता हूँ, वो बहुत दूर न पहुँचा होगा। जानकी बाबू, आप कहें तो मैं स्टेशन चला जाऊं, मुमकिन है वो सीधे वहीं गए हों। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। दीदी, ये क्या हो गया? ये सब मेरा ही कसूर है, मैंने ही तुम्हें यहाँ जबरदस्ती भेजा। दीदी, दीदी बोलो, कुछ कहो, मुझे सजा दो, मारो। मैं तैयार हूँ। दीदी, दीदी, पहले मेरा ही काम है। क्या थी
और कर वो क्या रहे हैं, उम्मीद उनसे क्या थी, और कर वो क्या रहे हैं, खुद ही बना रहे थे, खुद ही मिटा रहे हैं, खुद ही बना रहे थे, खुद ही मिटा रहे हैं, उम्मीद उनसे क्या थी। आए थे इश्क बनके, आए थे इश्क बनके, अब अश्क बन चले ये वो। खुद ही हंसा रहे थे, खुद ही रुला रहे हैं, खुद ही हंसा रहे थे, खुद ही रुला रहे हैं, उम्मीद उनसे क्या थी। ये बेकसी का आलम, फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं, दिल जल रहा है, फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं, उम्मीद उनसे क्या थी। बता दे कोई मुझे बता दे, क्या क्या वो बुला रहे हैं, कोई मुझे बता दे क्या वो बुला रहे हैं, कोई मुझे बता दे क्या वो बुला रहे हैं। निर्मल का अभी तक पता नहीं चला, पुलिस बराबर खोज कर रही है। घबराओ मत तुम, मैं दुनिया का कोना कोना तलाश कराऊंगा, तुम जरा हिम्मत बांधे रहो। हाँ उमा, ये मुमकिन है कि बहुत दिन लग जाए, महीनों बरसों, लेकिन निर्मल मिलेगा जरूर। तुम्हारी मुन्नी फिर तुम्हारी गोद में खेलेगी, मैं वादा करता हूं। लंगड़ा है, लंगड़ा चल नहीं सकता। इसकी नहीं है, चलना पड़ेगा।
चलिए। अच्छा भाई अच्छा, एक दो और ये तीन। हट जाओ हमारी सवारी आ रही है। इसके तो सब बंजर बंजर ढीले हो गए। हम नहीं जानते, उठ गए। क्या हुआ बाबूजी, ऐसे क्यों पड़े हैं? देखो ना मेरे घोड़े के अंदर पंजर ढीले हो गए हैं। क्यों घोड़े? नहीं मंजू, बाबूजी को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। हाथी में आपके हाथ पैर दुखने लगते हैं? नहीं नहीं बेटी, मैं तो जन्म भर घोड़ा ही बना रहा हूँ, पिछले जन्म भी उससे पिछले भी। यहाँ रख दो, लो आओ अब नाश्ता कर ले। आज का अखबार कहाँ है बाबूजी? जब आप दफ्तर चले जाएंगे तो बोलिए आज मैं क्या करूँ। आज दफ्तर नहीं जाना, इतवार है। ओह तब तो दिन भर खेलेंगे, क्यों? वाह भूल गई क्या? आज तुम्हें रेडियो पर गाना है और फिर विपिन बाबू के घर जाना है, हैं? अरे हाँ। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? एक तस्वीर। किसकी? औरत की। कौन औरत? तुम नहीं जानती बेटी, बहुत दूर से आई है, थिएटर में नाश्ती करती है। मुझे दिखाइए। 8 साल गुजर गए और 8 साल एक मुद्दत होती है, मुमकिन है कि कितने ही बरस इसी तरह गुजर जाए। लेकिन उमा तुम्हें हिम्मत ना हारनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या किया जाए उमा, दुनिया की यही रीत है कि निर्दोषी को सजा मिलती है, लेकिन भगवान भी तो सब कुछ देखते हैं। जानकी बाबू, इंस्पेक्टर साहब आए। अभी आया? तो उमा हिम्मत ना हारो, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, मिल ही जाएगा। मिलेगा क्यों नहीं बाबूजी? बाबूजी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं है? आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ बेटी, बोलता क्यों नहीं? बाबूजी अगर आप थिएटर में नाच देखना चाहें तो मैं भी चलूंगी, रेडियो नहीं जाऊंगी। रेडियो का प्रोग्राम बन चुका है, आज वहीं जाएंगे, नाच फिर कभी देख लेंगे। जी, जी अच्छा। अरे बस के। क्या बात है, आज आपको क्या हो रहा है? मालूम नहीं, मेरा दिल बैठा जाता है, ऐसा मालूम होता है कि आज कुछ होने वाला है। नहीं नहीं बेबी, होता क्या? अभी आप पंडित बाबूलाल से सितार पर एक गत सुन रहे थे, हमारा दूसरा प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। नन्नी वो रेडियो बंद कर दे। अब हमारा बच्चों का प्रोग्राम शुरू होता है, लीजिए सबसे पहले मंजू रानी आपको एक गाना सुनाएंगी। हाँ जी, क्या गाएंगी आप? तुमको मुबारक हो। अच्छा गाइए। तुमको मुबारक हो, मुझे महलिए, हमको है प्यादी हमारी गलियां, हमारी गलियां, हमको है प्यादी हमारी गलियां, हमारी गलियां। Thank you.
तुझे याद है ये गाना? हाँ दीदी, वही तो है जो पहले दिन आपके मकान के सामने गाया था। हाँ वही तो है। इस गाने को तो और कोई नहीं जानता सिवाय उनके। तभी लड़की कैसे गा रही है तो मालूम कीजिए ना जल्दी से। हेलो ऑपरेटर, मुझे रेडियो स्टेशन चाहिए। हाँ हाँ जरा जल्दी करो। प्लॉट नंबर 235 पार्क रोड। बहुत बहुत शुक्रिया बाबुल, जब जल्दी से टैक्सी लिया मुझको दीजिए। वहाँ जा रही हो? जी हाँ, वो भी यही है, मेरी बच्ची भी यहाँ है, अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। अच्छा तो चलो। नहीं नहीं, पहले मैं अकेली जाऊंगी। उमा नई जगह है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। दलीप तुम साथ जाओ। जी अच्छा। भाभी यही मकान है, आखिर मिल ही गया। पहले मैं जाती हूँ। क्यों साथ साथ चले? नहीं नहीं, आप जरा यहीं ठहरिए, मैं आपको बुला लूंगी। अच्छा ये देखो। आहा, फूल से खिल गई तुम तो बेटी। लो अब इसका इनाम दे। दीजिए बस। बाबूजी एक देवी आपसे मिलने आई है। अच्छा है देवी? जी। कौन है? जी तो कुछ नहीं बताया, पर आपसे मिलना चाहती है। कौन मिलना चाहती हैं बाबूजी? हैं कोई बेटी, मैं देखता हूँ जाके। तुम इतने में जूते पहन लो। हैं? कहिए कैसे तकलीफ की? उमा तुम यहाँ कैसे आई? सब बता दूंगी, बहुत कुछ कहना और सुनना है। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? मुन्नी, हमारी मुन्नी। ओ, अच्छा बैठो। बैठ जाऊंगी, पहले उसे ले आओ ना मेरे पास, मेरा जी भटक रहा है। बाबूजी मैं तैयार हो गई। अच्छा बेटी मैं आया अभी, तुम वहीं रहो। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? बुला लो ना उसे। तो क्या तुम मेरी बच्ची को मेरे पास नहीं लाओगे? उमा सुनो, मैं साफ साफ कहता हूँ। साफ साफ कहते हो, इतनी मुद्दत हो गई तुमने मुझे माफ नहीं किया, अभी तक सजा दिए ही जा रहे हो बिना कसूर। ये बात नहीं है उमा, वजह और है। वजह? तुम तो मुझे बिला वजह ही छोड़े। इतने दिन इसी आशा पर जीती रही हूँ कि शायद वो दिन आए जब तुम सारा हाल सुनकर फिर मुझे अपने दिल में जगह दो। मुन्नी तुम्हारी बेटी है, मेरी भी तो है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उसकी माँ हूँ। उमा मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? क्यों? मैंने उससे कह दिया है कि तेरी माँ मर गई। तब उससे जाके कह दो कि मैं मरी नहीं जीती हूँ। उमा मैं उससे कैसे कहूँ कि उसकी माँ एक नाचने वाली है, बात फैल जाएगी और बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं उमा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आओ यहाँ से कहीं और चल कर रहे हैं जहाँ इस बात को कोई ना जान सके और फिर से जीवन शुरू करें। मैं अब कभी थिएटर में काम ना करूंगी, मैं तो खुद पसंद नहीं करती। नहीं उमा हम कहीं भी जाएं हमारे नाम की छाया साथ जाएगी। मैंने बड़े जतन से यह कारोबार इज्जत आबरू पैदा की है मुन्नी की खातिर, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, मुन्नी को इनकी जरूरत है। बाबूजी आ चुकी है ना, मैं तो तैयार बैठी हूँ। मैं ये आई है ना बेटी, मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, अभी आया। ले आओ ना उसे मेरे पास, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ले आओ। नहीं नहीं उमा उसकी जिंदगी बर्बाद ना करो, उसके नाम को कलंक न लगाओ, अच्छा घर नाम इज्जत इन्हें उसके हाथों से न छीनो, उसे तो हंसी खुशी जीवन बिताने दो। उमा
बार मेरी बच्ची को मुझे दिखा दो, फिर मैं चली जाऊंगी। खुशी बाबूजी बंद क्यों कर दिया, मुझे आने दीजिए ना। हाँ हाँ बेटी, खोलता हूँ, जरा ठहरो माँ। वादा करो कि तुम उसे ये ना बताओगी कि तुम उसकी माँ हो, और फिर कभी उसे देखने ना आओगी। बोलो। मंजू, ये तुम्हें देखना चाहती हूँ, हमें बहुत दिनों से जानती हैं। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ आओ। कितनी सुंदर हो बेटी तुम, और नाम भी कितना प्यारा है, मंजू। किसने रखा था ये नाम? मेरी माँ ने। माँ ने? ओ, तुम्हें याद है अपनी माँ? नहीं तो, मैं इतनी सी थी जब ही मर गई वो तो, पर बाबूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं बड़ी सुंदर थी मेरी माँ। ठहरिए। देखिए, ये है मेरी माँ और ये मैं। आपको अच्छी लगती है मेरी माँ? हाँ बेटी, बहुत। बाबूजी कहते हैं मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मुझे भी वैसा ही होना चाहिए, सो मैं वैसी बनूंगी, है ना? हाँ बेटी, जरूर। पर वो बड़ी अभागन थी मंजू। क्यों, आपको कैसे मालूम? मैं उन्हें जानती थी बेटी, वो मेरी सहेली थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। सच? तो आपने मेरी माँ को देखा है? तो मुझे बताइए ना कैसी थी वो। जो मैं बताऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी? हाँ हाँ बहुत। मंजू, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। हमें एक जगह जाना है। जाना है? अच्छा, तो जाओ बेटी, फिर किसी दिन आऊंगी तो तुम्हारी माँ का सब हाल बता दूंगी। फिर कब आएंगी आप? जब तुम कहो। कल। अच्छी बात है। मंजू जी, तुम कहती थी बेटी कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? हाँ हाँ, क्या? ये तुम्हारी गुड़िया, इसे देख के मैं तुम्हारी याद कर लिया करूंगी। अच्छा, ले जाइए, मैं गुड़ियों से थोड़ी ही खेलती हूँ।
खुश रहो मेरी बच्ची, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबूजी ये कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है। जब कल आएंगी तो मैं दिन भर इनकी गोद में खेलूंगी, है ना? हाँ बेटी, आओ मैं कोट पहन लूँ। क्या हुआ भाभी, मिले? हाँ उनसे भी मिले, मुन्नी को भी देख लिया। बड़ी हो गई अब तो, बड़ी प्यारी प्यारी। उसने ये मेरी गुड़िया दी है पास रखने को। बात क्या है भाभी? कुछ नहीं भैया, मुन्नी अब उन्हीं के पास रहेगी। पकड़ लगी। बाबूजी मैं माँ पास जाऊंगी, मैं माँ पास जाऊंगी। हाँ बेटी हाँ। क्या हुआ? आइए मैं आपको सब कुछ बताता हूं। मंजू मुझे माफ करना बेटी, अब मैं तुझसे कभी ना मिल सकूंगी। भगवान तुझे सदा खुश रखे। निर्मल जा कहाँ रहे हो?
जो काम मुझे बहुत पहले पूरा कर देना चाहिए था वो आज कर दिया। अब मेरी यहाँ जरूरत नहीं, इसलिए जाता हूँ। जरूर, जरा इस कमरे में तो आओ, तुमसे कुछ कहना। तो अब तुम उमा के साथ रहना नहीं चाहते? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं। शायद तुम नहीं जानते निर्मल, जीवन में मुझे एक काम करने की जबरदस्त इच्छा रही और वो मैं अब तक पूरी न कर सका। क्या? ये ये अब जी चाहे तू ही मुझे रसीद कर ले। ये नहीं भैया, मैं इसी काबिल था। मैं इसी काबिल था, बेवकूफ कहीं का। चल इधर। मांगो माँ से माफी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? पकड़िए कान। नई कलाकार पेश करती हूँ, यानी हमारी बेटी मंजू। छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, छोटे छोटे घर बार छोटी अटरिया छोटी सी बगिया रे, छोटे छोटे घर बार छोटी अटरिया छोटी सी बगिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। छोटे छोटे दिन और छोटी छोटी रातें, छोटे छोटे दिन और छोटी छोटी रातें, छोटी उमरिया रे छोटी उमरिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। आप लोग कल आइए तो और सुनाऊंगी गाना। मन में जाने बाहर आया बसंत सखी, बिरहा का अनंत सखी, बन बन में जाने बाहर।